जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सृष्टि ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हम एक और जन्म कुंडली के अध्ययन के बारे में। ये जो जन्म कुंडली है ये है शुभम पांडे जी की। शुभम पांडे जी, मैच कीजिए आपकी बर्थ डिटेल्स 5/11/1997 6 AM प्रातः, बस्ती यूपी। कैरियर के बारे में आपने पूछा है, मैरिज के बारे में आपने पूछा है। दी गई बर्थ डिटेल के अनुसार आपका तुला लग्न है और सूर्य लग्न में नीच के ऊपर बैठे हैं। ग्रहों के राजा नीच के ऊपर बैठे हैं। आत्मा के कारक, आत्मबल के कारक, गवर्नमेंट सर्विस के कारक नीच के ऊपर बैठे हैं प्रथम भाव। चंद्र शुक्र मंगल धनु राशि में बैठे हुए हैं जहां पर राहु की पांचवी दृष्टि है। गुरु भी आपके चतुर्थ भाव में मकर राशि में नीच के ऊपर बैठे हैं। दो दो जो मुख्य ग्रह होते हैं वो नीच के ऊपर बैठना बहुत ही शुभ संकेत नहीं है। शनि छठे भाव में बैठे हैं जो कि इसके तुला लग्न वालों के लिए मुख्य कारगर ग्रह होते हैं। लग्न आपका 15 डिग्री का है तो मजबूत लग्न है, खराब नहीं है लग्न इतना। सूर्य राहु के ही नक्षत्रों में है और तुला राशि में है, नीच का ऊपर बैठा है और सूर्य की ही राशि में राहु है। सूर्य की महादशा चली हुई है 1/3/2024 तक। गुरु की अंतरदशा चली हुई है 5/1/2021 तक। तो सावधानी भरा समय रहेगा 2024 तक। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े, जिससे पूरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि नीच का सूर्य गलत काम जरूर करवाता है, अपयश जरूर करवाता है, गलत कामों में फंसा देगा। और जहाँ पे गुरु मतलब आपका विवेक, आपका ज्ञान भी नीच का ऊपर बैठा है। जितना नीच ग्रह बुरा प्रभाव देते हैं ऐसा कोई प्रभाव नहीं देते, तो सावधान रहिए। कैरियर की अगर हम बात करें तो मंगल और चंद्रमा एक साथ धनु राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि सप्तमेश और कर्मेश एक साथ प्रक्रम भाव में बैठे हुए हैं जहां राहु की दृष्टि है लग्नेश के साथ संबंध बना के। राहु की दृष्टि होने से ये आपके प्रक्रम को दूसरी जगह में कन्वर्ट कर देंगे, टारगेट से भटका देंगे, गलत जगह आप टारगेट करेंगे, जिसकी वजह से आपको परेशानी का कार उठानी पड़ेगी। तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिएगा, कुछ भी करें सो समझ कर करें, माता पिता की आज्ञा से करें, और खुद के कार्य, खुद के फैसले तो आप ना ही लें 2024 तक, क्योंकि ये आपको फंसवा देंगे। सूर्य नीच का है, गुरु नीच का है, तो गायत्री मंत्र की माला आप अवश्य पढ़िए 1/3/5 तीन तक, तीन तो आपको पढ़नी ही चाहिए प्रातः सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर। चने की दाल आदि का दान करिए, लाल मसूर की दाल जो आती है उसका दान करिए, गोमाता की सेवा करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए प्रतिदिन। यानी कि आप अभी 2024 तक है तो सूर्य देवता की सेवा कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, गायत्री मंत्र की माला, और बड़ों का जितना हो सके सम्मान करिए, आशीर्वाद लीजिए, पिता जी के साथ रहिए और वो जो कहते हैं वो आप करिए, इससे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। सावधान रहिए, कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, दो दो ग्रह नीच के ऊपर बैठे हैं। कैरियर की आपने बात की है तो सूर्य उच्च दृष्टि से सप्तम भाव को, गुरु उच्च दृष्टि से कर्म भाव को, दोनों एक साथ बैठे हैं।
गवर्नमेंट जॉब में परेशानी अवश्य खड़ी करेंगे और डिप्रेशन तक की कंडीशन आ जाएगी। फिर भी आप टीचिंग की तैयारी कर सकते हैं, टीचिंग तैयारी कीजिए, या फिर अगर आप करें तो दूध की डेयरी वगैरह का काम कर सकते हैं, दूध से बनी चीजों का प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। बाकी मैरिज का अगर हम बात करें तो मैरिज में भी कुछ आपके कर्मों की वजह से देरी हो सकती है, कमी आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा, सोच समझ के कर्म कीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और पितरों की सेवा, माता पिता से कहकर, जो भी बड़ा है घर में, माता पिता से कहकर पितरों की सेवा करवाइए, जो भी आपके कुलदेव कुलदेवी हैं उनकी सेवा करवाइए, ताकि आपको इस दोष से राहत मिल सके। पितृ दोष और कुलदेवी कुलदेवताओं का जो अभिशाप है वो कम हो जाए। सूर्य गुरु और मंगल आपके सभी पीड़ित हैं, जो कि आपके पितृ दोष को भी दर्शाता है, जो आपके कुलदेवी कुलदेवता के दोष को भी दर्शाता है। तो इतना आप कीजिए, 2024 तक सूर्य की महादशा है, जिसमें गुरु की अंतरदशा है, दोनों ही नीच के ऊपर बैठे हैं, गलत काम कर बैठेंगे, समझ में नहीं आएगा। ये अपमान करवा देते हैं, तो आपसे बार बार यही है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कैरियर की तरफ फोकस कीजिए, टीचिंग की, और उसमें भी ये समस्याएं खड़ी करेंगे तो सोच समझ कर कदम उठाइएगा और दूध की डेयरी या प्रोडक्ट का काम करिए। समस्याएं आएंगी विवाह में, लेकिन इतनी नहीं, वो सही हो जाएंगी, बस अपने कर्मों पर ध्यान दीजिएगा, माँ बाप की सेवा कीजिए। इसी के साथ ही विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट जन्म कुंडली के अध्ययन में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।